मैं शादी शायद कर ली। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल और हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में। तो बालूबाशी का मैंने मतलब आप लोगों से पूछा था, सब कहते हैं प्यार, आई लव यू, तो वो मतलब आप लोगों ने बता दिया, बहुत सारे लोगों ने हमें उसका रिप्लाई दिया है। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे व्लॉग चैनल पर जाकर भी प्यार दे रहे हैं और देते रहिए प्यार, सब्सक्राइब करते रहिए, आपको हमें जानने को मिलेगा व्लॉग चैनल पर। तो मेगा स्टार शाकिब खान की बात करें तो हम आजकल उनको जान रहे हैं, उनके ट्रेलर्स देख रहे हैं और सॉन्ग्स भी लेकर आएंगे। जो लोग हमें मैसेज करते हैं ऐसा बिल्कुल मत समझें कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, हम आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, ईमेल्स पढ़ रहे हैं और यूट्यूब कमेंट्स भी पढ़ लेते हैं। तो ज़रूर हम लेकर आएंगे, अरिजीत सिंह वाले सॉन्ग्स भी लाएंगे, अरमान मलिक वाले भी लाएंगे और बाकी सॉन्ग्स भी लेकर आते रहेंगे। कल से बल्कि काफ़ी दिनों से एक हमें सजेशन आ रही थी, प्रियोतमा का ट्रेलर आप लोग देखें और नबाब नकाब का आपने देख लिया, नबाब LLB का देख लिया, लेकिन नबाब भी एक है तो उसका भी देखेंगे हम लोग। तो बहुत सारे हम देखते रहेंगे और बाकी ये इसका शाकिब खान है, इदिका पॉल हैं और हिमेल अश्ताफ, अरशद अदनान। तो देख लेते हैं, देखने के बाद हम आपके साथ सारी इस पर डिस्कशन भी करेंगे। আমার প্রেম হবে ফিল্মে, আমি যখন প্রথম মেয়েটাকে দেখব তখন বাতাসে ওর চুল উঠবে। কার সাবটাইটেল হতে? এই যে একটু শুনবেন, এই দেখো আলেক চেয়ারম্যানের বাড়ি, এটা না কি গো ঢাকা বাজার করতে টাপু এসে দিয়ে আসবে। কতকাল আসবে? স্ট্রেট কতকাল কেউ কেমনে আসবে? আগামী কাল আসবে, ইয়েস্টারডে। মেগাস্টার শাকিব খান রাজপুত্র পঙ্খিরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসবে আর এসে বলবে, ইতি তুমি কি আমার প্রিয়তমা? আচ্ছা কা নাম তো নেই গই প্রিয়তমা। তুমি শুধু তোমারই তোমাকে জানিয়ে দিলাম প্রিয়তমা। প্রিয়তমা কা মতলব কি হ্যায়? তোমাকে জানিয়ে দিলাম আমরাও তো দেখি যে উটকে তালা মারা, ওদেরকে খুঁজে পাচ্ছি না, ওরা কোথায় যে গেল। খালি মহল লাইফ আশান করে মাস্তানি করাটাই জীবন। ও ইয়ে লোক আমনে দেখা তা ইনকা তুমি এখন আর আমার কেউ না শুন। ম্যাশআপ মে আয়া তা তুমি আগের মতো হয়ে যাও শুন। চলে যা এখান থেকে, শাদি শাদ কর লে যা, আর কোনো দিন এখানে আসবি না। ঈশ্বর কি তোমার ও কি অ্যাক্টিং কি দি আর শাকিব খান মিলন প্রার্থনা তোমার আমার মিলন লিখতে। আমি বিয়ে করব আগামী 7 দিনের মধ্যে। এত ভালোবাসি, ওদের কোথায় দূরে সরে যাচ্ছে। ভালোবাসি বেশ ये याद है, ये इनका जब हमने एक वीडियो देखी थी उसमें भी आया था क्लिप, बूढ़े हो गए हैं। बहुत मजे के। और यार मैं देख रही थी कि मतलब फिल्म की क्वालिटी कितनी जबरदस्त है। हाँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये उनका इंतजार करते करते बूढ़े हो गए हैं, क्या चक्कर है? मुझे तो ये समझ आया कि जैसे ये बहुत एक दूसरे को पसंद करते थे, बीच में एक ट्विस्ट हुआ, जब ये वापस आए तो ट्विस्ट में ये था कि इनकी जो शायद गर्लफ्रेंड थी उनकी शादी हो जाती है। मुझे तो अच्छा ये ना शकीब खान जो आंखों से एक्सप्रेशन देते हैं, एक जगह ये जंगल में कहीं जा रहे हैं और ऊपर से देखते हैं वो आ गई हैं, तो उनको देख के जो आंखों में इनके आंसू आते हैं ना नेचुरल, वो बड़े थे। फिर जब इनसे मिलने आते हैं और इनकी शादी हो गई होती है, उस जगह पर जो इन्होंने जिस तरह से रिएक्ट किया वो आंखों में आंसू लाकर, तो वो बड़ा प्यारा था। और किस तरह से जो है ना एंड तक वो मेरे ख्याल से इनका इंतज़ार करते हैं और वो बूढ़े दिखाएं, कितना नेचुरल था वो भी। और जो हीरोइन है उनका फर्स्ट फिल्म थी, लेकिन उनकी भी एक्टिंग बहुत इम्प्रेसिव थी, बैकग्राउंड म्यूज़िक, सॉन्ग, फिल्मिंग सब कुछ आउट क्लास था। दूसरा ये है कि प्रियोतमा, इनका नाम तो कुछ और आ रहा था लेकिन प्रियोतमा मेरे ख्याल से आप
बिलवड को शायद या महबूबा को, इस तरह किसको बोलते हैं प्रियोतमा, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वो बार बार बोल रहे थे प्रियोतमा, ये बोल रही थी प्रियोतमा। तो सारी मेरे ख्याल से ये इन्हीं पे है कि प्यार के ऊपर ही विलन भी दिखाए हैं जो गाड़ी से निकलते हैं। और एंड में किस तरह से उन्होंने वो अपनी नेचुरली अपने वो बूढ़े होने का ना वो जिस तरह से मूवमेंट होती है सारी, वो बहुत प्यारी रखी है। तो इस मूवी के हवाले से हमें और ज़रूर बताइएगा, एंड कैसा बिजनेस वगैरह किया और जो हमें समझ नहीं आया वो भी आप समझा सकते हैं। आपने अपना प्यार लाजमी देना है हमारे व्लॉग चैनल व्लॉग्स बाय सुलेमान पे, आपने देखना भी है, सब्सक्राइब भी करना है, और वहाँ लिखना भी है फ्रॉम लव फ्रॉम शाकिब खान फैंस। सो दैट्स इट, रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब फॉर माय व्लॉग्स एंड जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। इस तरह आपके लिए लाते रहेंगे नए और डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस डेली, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल।